हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ करुणा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये करवा चौथ मेकअप लुक ओनली विद 5 प्रोडक्ट्स। तो चलिए बगैर देरी करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हे गाइस, आज का जो मेकअप लुक है वो फुल फेस मेकअप लुक हम सिर्फ करने वाले हैं 5 प्रोडक्ट के साथ। सो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं ये ले रही हूँ NYB का प्राइमर। ये मैटिफाइंग प्राइमर है, आपके पोर्स को बहुत ही अच्छे से फिल कर देता है और एक बैरियर बनाता है स्किन के लिए। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्राइमर है और स्किन को प्रेप करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने इन 5 प्रोडक्ट्स में प्राइमर को शामिल करना ज़रूरी समझा। सो देन सेकेंड प्रोडक्ट जो है वो मैं अपनी आईब्रो के लिए यूज़ करने वाली हूँ और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये डैट्सोमी का पैलेट, और इससे ले रही हूँ ये डार्क ब्राउन शेड। और इस ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को अच्छे तरीके से फिल कर लूँगी मैं। अगर आप अपनी वैनिटी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं चाहते हैं तो आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप कम प्रोडक्ट के साथ भी एक बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं। कोई एक अच्छा लुक क्रिएट करने के लिए, मेकअप करने के लिए या सुंदर दिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बेसिक 4-5 प्रोडक्ट हों तो आप उन प्रोडक्ट की हेल्प से भी एक बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो या ये जो पैलेट है मैं इसको आज बताऊँगी कि आप किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। तो अब मैंने इसी पैलेट का ये जो ब्लैक शेड है इसको लिया है और ब्राउन शेड से आईब्रो को फिल करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं। और मेक श्योर कि जब भी आप कोई भी पैलेट परचेज़ करें तो उसके शेड्स को ज़रूर ध्यान में रखें कि शेड्स ऐसे हों जो आपको कई सारी चीज़ों में हेल्प करें। सो जो थर्ड प्रोडक्ट है वो मैं ले रही हूँ ये इनसाइड का मैटिफाइंग फाउंडेशन है ये, और ये फाउंडेशन आज मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ आई प्राइमर भी। तो मैंने इसे अपनी आईलेट्स पे भी प्लेस किया है इसीलिए। और सेकेंड चीज़ ये है कि जब भी अगर आपकी स्किन ऑयली है, बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो आपको एक कॉम्पैक्ट का ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, ओके काइंड ऑफ स्किन है, तो आप एक मैटिफाइंग फाउंडेशन लीजिए, मैटिफाइंग प्राइमर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको आपका फेस सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब तो विंटर्स शुरू होने वाले हैं, बल्कि शुरू हो गए हैं, दिल्ली में तो हल्की हल्की ठंड होने लग गई है, तो आपको कॉम्पैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आज मैंने इसीलिए अपने फेस को सेट नहीं किया है किसी भी कॉम्पैक्ट के साथ, क्योंकि ये मैटिफाइंग फाउंडेशन है और ज़रूरत ही नहीं है फेस को सेट करने की। सो अब आई मेकअप के लिए मैंने सेम अपना वही डैट्सोमी वाला पैलेट लिया है और उसमें से पिक किया है ये शिमरी शेड। आपके पास जो भी पैलेट हो उसमें से आप अपना ड्रेस के अकॉर्डिंग शिमरी शेड पिक कर लीजिए और उसे अपनी आईलिड्स पे प्लेस कर दीजिए। सिंपल, बस और कुछ नहीं करना है इस लुक के लिए। और गोल्डन काइंड ऑफ शेड हो, कॉपर काइंड ऑफ शेड हो तो वो ज़्यादा बेटर लगता है, या रोज़ गोल्ड काइंड ऑफ शेड हो, आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग आप शेड पिक कर सकते हैं। तो बस आपको बस इतना ही करना है कि आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग एक शिमरी शेड को लेना है और उसे अपनी आईलिड्स पे प्लेस करना है, एंड दैट्स इट। और इसके बाद लाइनर यूज़ नहीं करेंगे आज। लाइनर की जगह पे इसी पैलेट में से ब्लैक शेड लेके उसे मैं एज अ लाइनर लगाने वाली हूँ। तो इसी ब्लैक शेड को मैंने एज अ लाइनर आज लगाया है। और आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप विंग लाइनर चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा विंग बना लीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी उसको रहने दे सकते हैं। देन इसके बाद अब थोड़ा सा फेस को डायमेंशन दे लेते हैं। तो उसके लिए भी मैं सेम डैट्सोमी पैलेट यूज़ कर रही हूँ, उसमें से ये ब्राउन वाला शेड, और इसको लेके ब्रश पर थोड़ा सा डस्ट ऑफ करके और ब्रॉन्जिंग कर लेंगे फेस की, सॉरी कॉन्टोरिंग कर लेंगे फेस की। तो सेम पैलेट में से मैंने ब्रॉन्जर अप्लाई कर लिया है
ब्रॉन्जर कह लीजिए, कॉन्टोर कह लीजिए, मतलब बेसिकली आप अपने फेस को डायमेंशन दे रहे हैं इस शेड के साथ, तो थोड़ा सा नोज को भी कॉन्टोर करेंगे सेम शेड के साथ, और थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। मैं ये लोअर लिप्स के नीचे अप्लाई कर रही हूँ हल्का सा एक इफेक्ट देने के लिए। देन इसके बाद जो फोर्थ प्रोडक्ट है हमारा वो ये मेबेलिन का मस्कारा है, और इसका ब्रश मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से आपकी लैशेस को कोट करता है, कर्ल करता है। बस एक ड्रॉबैक है इस मस्कारे का कि ये वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं है। अदरवाइज अगर ये वाटरप्रूफ मस्कारा होता तो ये बेस्ट मस्कारा है अभी तक का, जो भी मैंने जितने भी मस्कारे यूज़ किए हैं उन सब में बेस्ट मस्कारा होने वाला था ये, बट इसका यही ड्रॉबैक है कि ये वाटरप्रूफ नहीं है। देन सेम पैलेट लिया है मैंने अपना, दैट्स मी वाला पैलेट, और इसमें से ब्राउन शेड पिक किया है और इसे अप्लाई करूँगी लोअर लैश पे, और शायद मेरे हाथ से शीशा या ब्रश कुछ छूट गया था तो मैंने इतना वियर्ड फेस बना लिया। सो पूरी लोअर लैशेस पे अप्लाई कर लेंगे ब्राउन शेड को। और यहाँ पे मैंने ब्रश लिया है, पेंसिल ब्रश है ये, इसकी टिप जो है वो काफ़ी पतली है ताकि आप लोअर लैश पे जब भी कोई भी शेड अप्लाई करें तो इजीली अप्लाई हो जाए। अगर आप चाहें तो अपना आई लुक यहीं पे कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी आईज़ में और ज़्यादा ग्लैमरस इफेक्ट देना चाहते हैं तो जो शिमरी शेड आपने अपनी आईलिड्स पे प्लेस किया था आप उसी सेम शेड को अपनी लोअर लैश लाइन पे इनर कॉर्नर से लेके थोड़ा सा आउटर कॉर्नर तक लाते हुए भी प्लेस कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसा लुक चाहते हैं। आप ये शेड अपने इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक लाते हुए प्लेस कर लीजिए। देन इसके बाद सेम मस्कारा लेंगे और मस्कारा अपनी लोअर लैशेस पे भी अप्लाई कर लेंगे ताकि हमारा जो आई लुक है वो कंप्लीट हो जाए। देन इसके बाद जो हमारा फिफ्थ प्रोडक्ट है वो ये है मेरी NYB की बुलेट लिपस्टिक, और ये क्रीमी मैट लिपस्टिक है, और इसका जो ये वाला शेड है मैं इसका शेड डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ये शेड आप लिप्स पे लगाते हैं तो अच्छा लगता ही है, साथ ही साथ अगर आप इसको एज अ ब्लश यूज़ करते हैं तो भी ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और सुंदर लगता है, बिल्कुल जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम नेचुरल लुक आ रहा है इस लिपस्टिक से जो मैंने ब्लश अप्लाई किया है। और अब मैं ये शेड अप्लाई कर लूँगी अपने लिप्स पे, और यहाँ पे हमारा जो फाइव प्रोडक्ट करवा चौथ मेकअप लुक है वो कंप्लीट होता है। और ये जो आई लैशेज हैं इसको मैं अप्लाई करने वाली हूँ इसके बाद, तो ये टोटली ऑप्शनल। सो या गाइस, दिस इज द फाइनल लुक एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू लाइक द लुक टू। सो अगर आपको ये लुक पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैं सब कुछ छोड़ देता तेरे करके, तेरे उतो